भोजपुरी इंडस्ट्री में अब तकरीबन हर जगह शूटिंग शुरू ही हो चुकी है। इन दिनों आम्रपाली दुबे और दिनेश लाल यादव निरहुआ शूटिंग कर रहे हैं मिर्जापुर में। जी हाँ, विंध्यवासिनी धाम के बहुत ही करीब ये दोनों कर रहे हैं अपने आने वाले फिल्म आई मिलन की रात की शूटिंग। आपको बता दें कि जैसे ही शूटिंग से फ्री होकर आम्रपाली अपनी वैनिटी वैन में आई, उन्होंने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट से लाइव आकर अपने फैंस को चौंका दिया। वैसे तो आम्रपाली ने इसकी जानकारी बहुत पहले ही लोगों को दी थी, लेकिन काफ़ी फैंस हैं जो चौंक गए और ऐसे में ही कितनों के साथ उन्होंने लाइव चैट किया और लोग काफ़ी खुश भी रहे। आम्रपाली से कई क्वेश्चंस भी किए उनके फैंस ने। ऐसे में फैंस जब क्वेश्चन कर ही रहे थे तो इतने में दिनेश लाल यादव निरहुआ अपनी दूसरी वैनिटी वैन से उनके साथ लाइव आ गए और आम्रपाली चौंक गई। दिनेश लाल यादव निरहुआ ने जो उनसे कहा, आप पहले सुनिए, फिर हम आपको बताते हैं कि उसके बाद क्या हुआ। हम लोग ये कह रहे हैं जी कि आपका लाइव चल रहा है तो हम लोग अंदर उधर आए नहीं है वैनिटी में, तो थोड़ा शूटिंग वूटिंग भी कीजिएगा कि खाली यही लाइव वाइव ही चलते रहेगा। मेरी शूटिंग हो गई है आज की, अभी आप करिए, आपकी फाइट चल रही है ना, फाइट पे ध्यान दीजिए। अरे मैं अकेले कितना फाइट करूँ, आइए आप। फाइट में मेरा काम नहीं है, गाने में मैं अकेले डांस करती हूँ ना, तो फाइट में आप अकेले फाइट कीजिए। चलिए ठीक है ठीक है, बाकी लोगों से बात कर लीजिए और जल्दी खत्म करके आइए, बाहर वेट कर रहे हैं हम लोग। बस 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 आ रही हूँ, बाय बाय बाय। आओ ना, आप लोग भी यहीं पे आओ ना। नहीं नहीं आइए, यहाँ पे बहुत काम बाकी है अभी, जल्दी आइए। अरे थोड़ा आओ ना प्लीज, सब लोग बात करना चाह रहे हैं आपसे। तो सब तो यार देखो आपके फोन से मेरी आवाज आ रही है, मेरे फोन से आपकी आवाज आ रही है। नहीं, वो अयाज भाई का फोन है। अच्छा, अयाज जी भी है क्या? लीजिए तो उनको भी, अयाज भाई भी लाइन में है, बुलाइए बुलाइए उनको भी। आ रहे आ रहे आ रहे, आइए आप लोग आइए, बाय 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 बाय। दिनेश जी बाजू में बैठ के रिक्वेस्ट भेज रहे हैं। ओके, तो आपने सुना किस तरह दिनेश लाल यादव निरहुआ उन्हें बुला रहे हैं एक्शन सीन के लिए। उसके बाद जैसे ही लाइव ख़त्म हुआ, कुछ नेटवर्क इश्यूज के कारण तुरंत आम्रपाली पहुंच गई निरहुआ का साथ देने एक्शन सीन के लिए। आपको बता दें कि निरहुआ का ही एक्शन सीन था और वहाँ पर आम्रपाली की ज़रूरत नहीं थी। आम्रपाली ने जैसे कि लाइव में बता दिया था, आम्रपाली को वहाँ जाने की ज़रूरत नहीं थी, लेकिन निरहुआ ने इंसिस्ट किया तो आम्रपाली वहाँ कैसे नहीं जाती। वैसे भी ये दोनों भोजपुरी में मेड फॉर ईच अदर वाला जोड़ा तो लगते ही हैं। वैसे आपको इन दोनों की जोड़ी कैसी लगती है, हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।